चावल ही नसीब हुए ये हो तो कहना। फिल्म लाइन कह रही है कि मैं शराबी शराबी, लेकिन मैं ये गरीबी गरीबी ये गरीबी गरीबी पर तुम काम आना सीख लो। जिंदगी जीना है तो मुस्कुराना सीख लो, और दूसरों के काम पर, दूसरों के वक्त पर तुम काम आना सीख लो। अरे क्रूर बनकर इस जहां में प्रेम की आशा न कर,
क्रूर बनकर इस जहां में प्रेम की आशा न कर, इसलिए दुश्मनों को भी गले से तुम लगाना सीख लो। क्या बात है, शाबाश, हृदय से धन्यवाद है। कम ना करिए भाई, इसको बढ़ा दीजिए। जवाब जो भी है मैं क्या कह दूं, लेकिन छोटे भैया देखो, कभी जब मेरे पिताजी भी थे श्री ऋषि मिशैला जी, एक आध बार हमारी जवाबी उनसे हुई और क्या, तो जब कभी अपनों पर, जब कभी अपना सामने खड़ा हो तो समस्या बड़ी विकट हो जाती है। लेकिन लेकिन कहते हैं क्या कि जब अपना किसी अपने पर प्रहार करना सीखेगा, यानी जब कोई बच्चा प्रहार करना सीख लेगा तब वो दूसरे पर प्रहार कर पाएगा। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। तो मैं तुमको क्या कह दूं, कपालिका क्या बात है, शाब्दिक आनंद है और क्या। और अगर आपने मेरे शब्दों को देखा होगा तो जिस अक्षर से जो लाइन छूट रही है उसी अक्षर से अगली लाइन मेरी बंद हो रही है। ये बात थी, जैसे सुनो भैया समझ लो, दुर्गा के मस्तक से क्या बात है, से पे खत्म संसृजित हुई काली, लबे खत्म तो लाली में काली है, हाय लाली में काली। या हा हा हा, ये बात थी। समझने का प्रयास कीजिए, ये था गीत में बस। लेकिन चलिए जो भी है छोड़ो, बढ़िया है, एक गीत बढ़िया आपकी ओर से आया है। कैसे, के जाम हाथों में लेने की फुर्सत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं, तो मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल न दो। क्या बात है, वाह, ए मैं शराबी नहीं, मैं जानती हूँ कि तू शराबी नहीं, तुझको बोतल न दो। क्या बात है, लेकिन फिल्मी लाइनें कह रही है कि मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो, मुझको आंखों से पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझको आंखों से पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझको आंखों से पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझको आंखों से पिलाए तो मैं क्या करूं। मैं शराबी शराबी, 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 मैं शराबी। यहाँ बढ़िया बात,
यानी सुशीला ने कहा कि दाम हाथों में मेरे एक आना नहीं। अच्छा, और घर में खाने को मेरे एक दाना नहीं, तो मैं भिखारन बनी घर में भूखी पड़ी। मैं भिखारन बनी घर में भूखी पड़ी, टूटे चावल ही पाए तो मैं क्या करूं। वाह भाई वाह। रोहित भैया जवाब सुनो। देखो कभी जब मैं ये चाहती हूँ कि तुम कुछ सीखो। और क्या, बिल्कुल। अब इसको अलग ना ले लेना। अब मैं अपने किसी अग्रज कलाकार से भी सीखती हूँ। और क्या, जो लेने वाला होता है मैं लेती हूँ। तो यही मैं अपने छोटे भैया को भी सिखाऊंगी। बिल्कुल, कि तुम मुझसे कुछ लो। अब देखो जवाब कैसे ला रही हूँ। कैसे, जब सुदामा जी वहां से लौट आए, द्वारिका से लौट आए, तो घर में सुशीला से कहने लगे, क्या माना टूटी हुई चार पाई सही। क्या बात है, यानी मेरे हाथ में कुछ पैसा भी आ गया। और क्या, तुम देख रही हो। एक टूटही मड़ैया से राजमहल में हो। और क्या, आदरणीय पिताजी, तो द्वारिका पति ने कैसा गजब कर दिया। द्वारिका पति ने कैसा गजब कर दिया, टूटी कन की चबाए तो मैं क्या करूं। क्या बात है, टूटी कन की चबा कर उन्होंने मुझे राजा बना दिया, तो मैं क्या करूं। और क्या, द्वारिका पति ने कैसा गजब कर दिया, टूटी कन की चबाए तो मैं क्या करूं। टूटी कन की चबाए तो मैं क्या करूं, टूटी कन की चबाए तो मैं क्या करूं। और तुमने सही कहा था सुशीला, कि वो करीबी करीबी है, करीबी करीबी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आपके करीबी का जवाब सुनिए, वो मेरे करीबी मित्र हैं। वो करीबी करीबी है, करीबी करीबी, वो करीबी करीबी है, करीबी करीबी, वो करीबी करीबी है, करीबी करीबी। भूप करते भिखारी कन्हैया किशन। भूप यानी एक भिखारी को उन्होंने राजा बना दिया। भूप करते भिखारी कन्हैया किशन, रंक राजा बनाए तो मैं क्या करूं। क्या बात है, वाह बेटे वाह। मुझे रंक से राजा बना दिया। भूप करते भिखारी कन्हैया किशन, रंक राजा बनाए तो मैं क्या करूं। रंक राजा बनाए तो मैं क्या करूं, रंक राजा बनाए तो मैं क्या करूं, रंक राजा बनाए तो मैं क्या करूं। रंक राजा बनाए तो मैं क्या करूं। बोलिए कन्हैया लाल की जय। ये मेरी तरफ से।